आज सुबह सुबह उठते ही मैं आ जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि होली के बाद सबसे मुश्किल काम होता है होली के रंगों को छुड़ाना। खैर मैंने नहा तो लिया था, लेकिन मेरे पूरे जीवन में पहली बार होता है कि मैं शैम्पू को बालों की जगह मुंह पे लगा लेता। चलो कोई बात नहीं, पूजा करने के बाद तो मैं आ जाता हूँ फ्रिज में मिठाइयां ढूंढने के लिए। और पहला डब्बा खाली देखकर तो ऐसा लगा कि सारा मिठाई पौरे में ही बांट दिया क्या। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मिठाई तो रखा है। और ये मिठाई मुझे काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसका नाम संदेश होता है। और पता नहीं क्यों इसका नाम संदेश रखा है, लेकिन खाने में तो अच्छी है। अभी मिठाई खाकर खत्म भी नहीं की थी, तब तक खाना भी आ जाता है भाई। खाना खाने के बाद तो मैं अपने मामा के साथ आ जाता हूँ मार्केट। घर में आया तो था कस्मा वाईफाई की बात करने, लेकिन लगे हाथ हम लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ जाते हैं वाईफाई के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमारे गाँव में इंटरनेट बहुत स्लो चलता है और मुझे वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। इतने बड़े टीवी में आईपीएल मैच देखने में कितना मजा आएगा। सारी बातचीत होने के बाद भैया कहते हैं 3 से 4 दिन बाद आपके घर में वाईफाई लग जाएगा। घर वाईफाई लगने कुछ ही में मैं जल्दी से आ जाता हूँ घर पे। आने के बाद हम लोग छत पे आकर यही देखते हैं कि एंटीना कहाँ लगवाया जाए, क्योंकि बंदरों से भी डर है।